धोनी के ससुर आरके सिंह का वो किस्सा जो ना फिल्मों में दिखाया गया ना आपको कभी सुनाया गया। सास संभालती हैं 800 करोड़ की कंपनी, ससुर ने किया माही के पिता के साथ काम, अब कमा रहे नाम। ज्यादातर लोग नहीं जानते धोनी की पहली गर्लफ्रेंड का किस्सा, साक्षी रावत से पहले प्रियंका से था प्यार। धोनी की फैमिली में कौन कौन है, पिता पान सिंह, माँ देविका देवी, पत्नी साक्षी रावत और बेटी जीवा। इतने ही लोगों की चर्चा अक्सर मीडिया में होती है, पर साक्षी के माता पिता यानी कि धोनी के सास ससुर के बारे में जल्दी बात नहीं होती। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि धोनी के ससुर आरके सिंह कौन हैं, माही के सास की 800 करोड़ की कंपनी कौन सी है ये बताएं। उससे पहले माही की नई तस्वीर देखिए, जिसमें वो नए हेयर स्टाइल के साथ साउथ के सुपरस्टार रामचरण के साथ में पोज देते दिखाई दे रहे हैं। कई दिग्गजों का कहना है कि ये एक एड शूट की फोटो हो सकती है। धोनी अपने खुद की एंटरटेनमेंट कंपनी भी चलाते हैं, जिसका उनके ससुराल से गहरा नाता है। कहते कि माही के ससुर आरके सिंह का धोनी के परिवार से पहले से ही गहरा नाता रहा है। बात उन दिनों की है जब धोनी के पिता और आरके सिंह कोलकाता में काम करते थे। कनोई ग्रुप की बिगानुरी टी कंपनी में काम करने के दौरान दोनों की मुलाकात हुई। मेकॉन लिमिटेड नाम की कंपनी में दोनों ने साथ काम किया। तब आरके सिंह की पत्नी शीला सिंह घर का काम संभालती, बेटी साक्षी रावत के साथ पूरा परिवार उत्तराखंड में ही रहता था। लेकिन जब धोनी और साक्षी की शादी हो गई तो आरके सिंह का परिवार भी मिडिल क्लास की बजाय अमीर क्लास में गिना जाने लगा। 4 साल पहले जब धोनी ने प्रोडक्शन हाउस खोला, जिसका नाम धोनी एंटरटेनमेंट लिमिटेड रखा गया, उसकी सीईओ माही की सासू माँ शीला सिंह बनी। माँ बेटी ने मिलकर इस कंपनी को इतना तेजी से आगे बढ़ाया कि आज ये 800 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। अब उनके सास ससुर किसी कंपनी में काम नहीं करते, बल्कि खुद की कंपनी चलाते हैं। जो लोग कहते हैं कि धोनी ने अपने भाई के लिए कुछ नहीं किया, उन्हें इस कहानी को सुनने के बाद क्या लगता है? माही तो नए खिलाड़ियों को भी मौका देते थे, अपने भाई की भी काफी वक्त तक मदद की, लेकिन जब आदत नहीं सुधरी तो कहते हैं कि नरेंद्र सिंह धोनी से माही ने नाता ही तोड़ दिया। आज माही अपनी सास को माँ की तरह मानते हैं, तो साक्षी उनकी माँ यानी कि अपनी सास के साथ बिल्कुल माँ बेटी के साथ रहती हैं। आज माही के पास करोड़ों की संपत्ति है, मनपसंद बिजनेस, बाइक, गाड़ियाँ, अच्छी फैमिली और मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन फिर भी पहले की प्यार की कसक दिल के कोने में आज भी कहीं ना कहीं दिखती है, जिसका खुलासा एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी की हीरोइन दिशा पाटनी ने किया। दिशा ने कहा, फिल्म के ज्यादातर किरदार रियल जिंदगी से जुड़े हैं। सुशांत में धोनी और कियारा में साक्षी की झलक देखने वाले फैंस मुझ में प्रियंका की झलक जरूर देखेंगे। प्रियंका झा धोनी की पहली गर्लफ्रेंड थी, साल 2002 में उनका रिश्ता हुआ। उस वक्त धोनी टीम इंडिया में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। साल 2003 और 4 में उन्हें केनिया जाने वाली ग्रुप ए टीम में जगह मिल गई, लेकिन तभी प्रियंका झा की सड़क हादसे में मौत हो गई। धोनी काफी दिनों तक इस सदमे में रही, हालांकि फिर उससे बाहर निकले और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसीलिए कहते हैं कि धोनी बनना आसान नहीं है। अपनी जिंदगी की तमाम चुनौतियों के बीच में फील्ड पर कूल रहने वाला अपना माही वो किरदार है जिस पर फिल्में बन सकती हैं, कहानियां लिखी जा सकती हैं, पर वो हमेशा अधूरी ही रहेंगी, क्योंकि पूरी तरह धोनी को समझना आसान नहीं है। जो कहते हैं कि प्यार में धोखा खाने के बाद बिहार झारखंड के लड़के आईएएस बनते हैं, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा कि दिल टूटने के बाद भी धोनी जैसे दिग्गज देश को वर्ल्ड कप जिताते हैं। क्या आपको ये किस्सा पता था? तो हमें कमेंट कर बताएं।